खबर नई दिल्ली से। कल देर रात श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाले को ले जा रही पुलिस वैन पर रोहिणी के FSL के बाहर हमला हुआ था। हमलावरों ने आफ्ताब पर तलवार से हमला करने की कोशिश की थी, जिसके दरमियान पुलिस ने आफ्ताब की जेल वैन पर हमला करने वाले लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया, दोनों गुरुग्राम के रहने वाले, ये खुद को हिंदू सेना के बता रहे हैं, जबकि बाकी फरार लोगों की तलाश जारी है। पुलिस वैन आफ्ताब पूनावाले के पॉलीग्राफिक परीक्षण के बाद पश्चिम दिल्ली के रोहिणी में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से वापस जेल ले जा रही थी। जानकारी के अनुसार कुछ लोग एक कार में आए, जेल वैन के बाहर आते ही उन्होंने अपनी गाड़ी इस वैन के आगे लगा दी। वैन के ड्राइवर ने वैन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, इसके बाद ये लोग गाड़ी से उतरे और तलवार से हमला कर दिया। बता दें आफ्ताब जेल से दिल्ली पुलिस के 3rd बटालियन वैन में आया था। खतरे को भांपते हुए 3rd बटालियन के जवानों ने अपने हथियार निकाल लिए, हवा में लहरा लिए, इसके बाद वो आफ्ताब को सुरक्षित निकाल कर ले गए। घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। मामले की पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन कैदियों को लाने और ले जाने काम करती है। इसको सेफ्टी दे रही है, सेफ्टी कर रही है, हमारी बहन बेटी का सिचुएशन है। पुलिस क्या कर रही है मैडम? मेरी आपको किसने हक दिया तलवार लेकर दौड़ने का? आके मैं दो बेटियों का बाप हूँ। कल को मैं अपने, लेकिन कानून नहीं सर, कानून तो इसको सेफ्टी दे रहा है। डर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो क्या करेंगे? मैडम आप भी किसी की बहन बेटी, हमारी बहन हो। अरे तो कानून है देश में। अरे सर कानून है, कानून है, एक मिनट रुक जा। देश में कानून सजा देगा या तलवार से? सर कानून ने, सर कानून ने बचा लिया क्या उस लड़की को? अरे जब पता चला है पुलिस ने गिरफ्तार। अरे सर कितने कितने केस होते? बहन जी टारगेट करते हैं सबको ये। बस को नहीं मैडम निकालो, मैडम को 2 मिनट निकालो, उसको बीच में से फाड़ दूंगा। किसी की बच्ची को मार दिया उसने, क्या किया उसने? किसी बच्ची के 35 टुकड़े कर दिए। दो बेटियों का बाप मैं भी हूँ, किसी की बहन बेटी सुरक्षित। ये तलवार है, आगे से हम गोली भी चलाएंगे सब। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।